सोजेहि सुमिरते सिधि होई, अगन नायक करिवर बदन, अकरहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, अमुक हो ही बाचाले, पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन, अजासु कृपा सदयाले, द्रवउ सकल कलि मल दहन, ओ बंदहु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामहतम पुंज, जासु बचन रवि करनी कर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो श्री राम नाम ही कलयुग में कल्प वृक्ष है, जिनकी शरण में शांति ही शांति है। अब कोई बात किया जाए और शुरू में ही कह दे कि श्री राम नाम ही सत्य है, भड़क जाएंगे लोग, है कहीं मारो तहन नहीं। विचार करके देख ले कि क्या वह सत्य सिर्फ मरने के बाद ही होते हैं। जो सत्य है वो तो हमेशा सत्य रहेगा ने, ठीक ने। तो राम नाम ही शिव रूप है, ब्रह्मा विष्णु स्वरूप है, वो कोई अलग से नहीं है। हाँ, जिस भक्त का जो है इतना प्रेम हो कि वह भगवान विष्णु का स्वरूप धारण करना चाहता हो, तो भगवान में जब मिल जाएगा तो उसी यश को विष्णु बना देंगे। ये तो उनके, जब मिल गए तो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जब मिले नहीं तो संसार की वस्तु सब कुछ दिया जा सकता है दान में, ठीक ना। सबसे ज्यादा आप स्वास्थ्य तक दे सकते हैं, लेकिन अगर उसकी मर्यादा भी ना हो, ठीक ना, कोई लौटा दे अगर दिया हुआ वस्तु लोभ या ममता के वशीभूत होके, तो आप अंतोगत्वा भगवान को स्वास्थ्य समर्पित कर सकते हैं, यह नीति। लेकिन एक बार जब कोई चीज दे देते हैं तो आपके बस में नहीं है कि आप उसको वापस ले लें, नहीं। विचार करें कि एक बार बाबा जी के झोली में जो डाल दिए तो उनका झोली खुलवा के निकलवाएंगे, लेकिन अगर वे लौटा देते हैं तो आप स्वतंत्र हैं कि आप भगवान को श्वास दे सकते। दान की वह सीमा है, उससे बड़ा दान कुछ नहीं। और जब भगवान को श्वास पहुंच गया तो भगवान लौटाने वाले नहीं।
माने अब एक भी श्वास का प्रयोग करके सांसारिक प्रपंच के बारे में सोच भी नहीं सकते। यदि ऐसा करते हैं तो वह भगवान शिव जी के साथ कपट हो जाएगा। अब गहराई समझिए, ठीक है? हाँ, सभी शिव तत्व ही पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। सब माता पार्वती और शिव जी के ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए भक्ति भाव में भगवत चर्चा कर सकते हैं, वह भी जो भाव अंदर न हो वह चर्चा करने का कहीं जगह। यदि कोई बिना आचरण के प्रवचन कर रहा है तो वह जीव मात्र परमात्मा को बेच करके पेट पाल रहा है, इसके अलावा वह कुछ है नहीं। यही ना गणेश जी? तो कल आप अनुभव किए कि तीनों लोकों के शिरोमणि समस्त ब्रह्मांडों के एकलौते स्वामी श्री राम जी जो परम अनादि ब्रह्म हैं, परम तत्व हैं, परम धाम हैं, वे ही सभी सद्गुणों एवं दिव्य गुणों के भंडार हैं और वे ही केवल शांति के स्थान। आकाश के भी परे हैं, आकाश तो उनकी माया ने उत्पन्न किया है, वे आकाश के भी बाहर हैं। तो जो उनमें मिलना चाहेगा तो वह धरती पानी आग हवा और आकाश के तत्व को छोड़ेगा तब न, यानी धरती का तत्व गंध, पानी का तत्व स्वाद, अग्नि का तत्व रूप, वायु का तत्व स्पर्श और आकाश का तत्व वाणी, ये पांचों का परित्याग तभी होगा जब निजी स्वभाव में परम संतोष व्याप्त हो जाए और वह संतोष मात्र परहित के ही रास्ते से प्राप्त होता है और परहित का कार्य मात्र एक सत्य व्रतधारी ही कर सकता है। सत्य व्रत को धारण करने के लिए शरीर, पत्नी, पुत्र, घर, धन, धरती यानी इन तत्वों में थोड़ा भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति न हो उसका क्या आधार है? आधार यह है कि जो शरीर का संचालन हो रहा है प्राण के द्वारा, उसके स्वामी श्री शिव जी के आत्मा ही है श्री राम जी, यानी ईश्वर प्राणिधान ही आधार है।
थोड़ा सा मन शांत करके देख ले, बिना आत्मा के कोई शरीर चल नहीं सकता। लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान तो ठीक है कहने के लिए, लेकिन यह थोड़ा सा ध्यान विषयी जीव के लिए बिल्कुल दुर्लभ है, क्योंकि इसके लिए स्वाध्याय रूपी साधन चाहिए, और स्वाध्याय रूपी साधन के लिए चाहिए पवित्र मन, अंतःकरण पवित्र होना चाहिए, ठीक ना? और पवित्र तभी होगा जब तपस्या करेंगे तब, और तपस्या कब करेंगे? जब त्याग भाव स्थिर होगा तब, एक बार, और त्याग भाव स्थिर कब होगा? जब मन में सरलता और मैत्री भाव उत्पन्न होगा तब। अब यह मन सरल और मैत्री भाव उत्पन्न करने वाला कब बनेगा? जब ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तब। ब्रह्मचर्य का पालन कब करेंगे? जब यह बात पक्का पक्का मन में बैठा लेंगे कि सभी नारी वर्ग मात्र माता पार्वती जी के अंश हैं, यदि उनके अंश का श्रद्धा और सम्मान भाव से ध्यान नहीं किए, माने प्रणाम नहीं किए, तो आगे बढ़ने का कोई जगह नहीं है। और एक तो यह भाव, दूसरा है कि धीरज और क्षमा, इनका भी सपोर्ट चाहिए। इनका सपोर्ट कब मिलेगा? जब अपरिग्रह यानी इंद्रिय सुख के लिए धन का संचय न करना, यह जब तत्व आएगा तब। और यह अपरिग्रह रूपी आधार कब मिलेगा? जब चोरी न करना यानी अस्तेय रूपी भाव स्थिर हो जाएगा तब। तो अस्तेय का भाव कैसे स्थिर होगा? जब यह जानकारी मिल गई कि चोरी का भाव आते ही बल बुद्धि और तेज तीनों नाश हो जाते हैं, तो इसको जब मनन करेंगे तो चोरी के भाव का कहीं जगह नहीं होगा। और यह होगा कब? अस्ते जब इंद्रिय निग्रह होगा यानी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण हो जाएगा। और इंद्रिय निग्रह कब होगा? जब मन निग्रह हो जाएगा, और मन निग्रह होगा निष्काम सेवा से। और कोई भी जीव निष्काम सेवा कब करेगा? जब शरणागत होगा। शरणागत कब होगा? जब श्रद्धा होगी। श्रद्धा कब आएगी? जब अहंकार मद मोह ममता इनका सत्यानाश हो जाए। इनका सत्यानाश कब होगा? भगवान का पवित्र वर्णन सुनने से, जब भगवान पर विश्वास हो जाएगा। और विश्वास कब होगा? जब उनको जान जाएंगे। अब देखिए, जान जाएंगे, यहां से सबकी बुद्धि काम कर रही है कि बिना जाने किसी पर विश्वास नहीं कर सकते आप अपने साधारण जीवन में। तो भगवान को बिना जाने कैसे विश्वास करेंगे? तो जना देने का कार्य इस शरीर के द्वारा हो जा रहा है।
अब जो जीव अपनी यात्रा करके परम धाम तक पहुंचना चाहे वह इसी मार्ग का अनुसरण करके जा सकता है, क्योंकि अनुभव कर चुके कि श्री राम ही जी केवल शांति के परम स्थान है। यही ना, मार्ग कितना आसान है। तब देखिए, इस मार्ग को जब पक्का करेंगे तब जाकर के स्वभाव में परम संतोष आएगा, तब जाके कोई साधना के योग्य बनेगा। नाथ कहाँ साधक रहे, सब विषयी जीव खाली काम साधने के लिए भूत प्रेतों का पूजा करके, ये सब भूत प्रेत की योनियों वाले जीव हैं, इसलिए इनके बाड़ी पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यही ना, तो ऐसा जीव जिसको श्री शिव जी के चरण के अलावा कुछ भी न दिखे, इन आंखों से जो दिख रहा है उसका त्याग हो जाए, अनदेखा अनसुना फिर मन से भी ना देखे, वही जो है इस मार्ग पर चल सकता है। नहीं तो कहाँ कोई निष्काम सेवा कर रहा है, शरण में कहाँ कोई है। यही ना, ठीक। तब आगे बढ़ते हैं और आत्मा बन के, कि आत्मा ही मेरा वास्तविक स्वरूप है, आत्मा ही वास्तविक स्वरूप है क्योंकि वही अमर है, वहां से मन को आदेश दीजिए और मन जो है जिह्वा को आदेश दे। जब आत्मा की आवाज दे देंगे मन को, क्योंकि मन और इंद्रियां ये सब तो आत्मा पर ही आश्रित है, जिस पर आश्रित है वही राजा ने, तो आत्मा से जब आवाज दे देंगे मन को और मन जिह्वा को आदेश दे दे कि हे जीव तू सदा राम राम में रमा कर, राम राम रटा कर और राम राम का जाप किया कर। यही आत्मा का आदेश मन को देना होता है। हे मन तू भी राम नाम में प्रेम रूपी नित्य नवीन मेघ के लिए हट करके पपीहा बन जा। पपीहा जानते हैं, जैसे पपीहा कुआं नदी तालाब और समुद्र तक के जल की जरा सी भी आशा न कर केवल स्वाति नक्षत्र के जल की एक प्रेम बूंद के लिए प्यासा रहता है। एक साल में जब स्वाति नक्षत्र आएगी, वहां से जब बादल बारिश करेगा, ठीक ना, तो मात्र वही बूंद पपीहा ग्रहण करता है। देखिए प्रेम का कितना बड़ा प्रमाण है, ठीक ना। ऐसे ही क्या कोई प्रमाण देगा प्रेम का, ऐसे ही तू भी और सारे साधनों तथा उनके फलों की आशा न कर। कल्याण हो भाई,
केवल श्री राम नाम के प्रेम रूपी अमृत के बूंद में ही प्रीति कर। जो भी साधन कर रहे हैं कि हम व्रत कर रहे हैं और दिया जला रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, लोटा का पानी लेके शंकर जी को नहवा रहे हैं, ये सब साधन के किसी फल का आशा छोड़ के सिर्फ राम नाम ही जपा कर, साइकिल चलाया कर, जितना पैडल मार उतना राम नाम। नहीं, कलयुग में इससे बड़ा कोई आधार नहीं। ध्यान दीजिए, प्रेम के आधार को समझने के लिए यह बहुत अच्छा प्रसंग है। पपीहे पर उसका प्रेमी मेघ माने बादल गरजता है, बादल गरजत नहीं, डांट बतलाता है, डांटता भी है, ओले बरसाता है, नहीं ओला भी नहीं गिरत बारिश से, वज्रपात करता है, नहीं इस प्रकार कठिन से कठिन परीक्षा करके पपीहे के अनन्य प्रेम को पूर्ण रूप से परख कर जब वह इस बात को जान लेता है कि ज्यों ज्यों परीक्षा लेता हूँ त्यों त्यों इस पपीहे का प्रेम अधिकाधिक बढ़ता है, ठीक ना, तब उसे स्वाति की बूंद मिलती है। वो प्रेम का जो ने प्रेम में परीक्षा न हो तो बादल गरज रहा है, डांटता भी है, ओला भी बरसाता है, वज्रपात भी करता है। नहीं आज एक मेहरारू के तैसा एक छप्पड़ लगा दे प्रेमो से तो उस 100 नंबर पे डायल कर दी। गणेश जी सावधान, अरे नहीं तैसा तेज लगल तो कर दे नहीं। और देखिए एक पपीहा और एक बादल के बीच में कितना बड़ा प्रेम है, नहीं हाँ। इसी प्रकार गणेश जी समझिए और पंचम भाई भगति मोर पाव कोई कोई सबके मिले वाला। अब जे अपने प्रेम में परीक्षा पास करी वही के ने पहलवा तो 9 में परीक्षा होत रहा, अब तो शायद हर क्लसिया में परीक्षा शुरू हो गल ने, बिना परीक्षा लिए नर्सरी में एजुकेशन न मिली ए वो मतलब एडमिशन है। और प्रेम दिखेबे प्रेम का परीक्षा न हुई, देखा प्रेम का परीक्षा होत रहा जीवन भर, यही से सजने फेल होत होत गए तो अंतिम में सांस दिया गया शंकर जी के को भाई ये ने ठीक तो समझे ना। यह प्रेम की पराकाष्ठा है। मछली का प्रेम देखिए, पानी को छोड़कर एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकती, ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है ना। तो इतना प्रेम श्री राम नाम में होना चाहिए, उनके सामने मोह ममता का कहीं जगह न हो, निष्काम सेवा के अलावा कोई भी भाव
न हो, यही ना। इसी प्रकार भगवान की दया से परीक्षा के लिए कैसे ही संकट आकर तुझे विचलित करने की चेष्टा क्यों न करे, तू तो अनन्य मन से श्री राम नाम के ही शरण ग्रहण कर राम नाम में ही बुद्धि को लगा, राम नाम का ही प्रेमी बन। जने कोई से अगर प्रेम दिखावा चाहे तो राम नाम का प्रेम नहीं कर सकते, कहे कि एमे बड़का विशुद्ध प्रेम चाहिए। ये ने खिलावन ए पंचम भाई, ये ने ऐसे श्री राम नाम के आश्रित जितने भक्त हो गए हैं, अभी हैं और आगे होंगे, त्रिलोकी में उन्हीं को बड़ा भाग्यवान समझना चाहिए। यही ना, तीनों लोक में वही सबसे बड़ा भाग्यवान है जो अनन्य भाव से श्री राम नाम का प्रेमी हो। ए लालची और कपटी समाज में प्रेम लगा के क्या कर बे? अरे जोने आश्रम में बात जवन सेवा होता होता, यही ना। यह राम नाम में अनन्य प्रेम करने का एकांगी मार्ग बड़ा ही कठिन है, जबकि बहुत सरल बा यार। अब राम नाम में तो हर कुल यज्ञ कुल जप कुल तपस्या सब हो जा रहा बा, तो कब हुआ राम नाम जिहुआ से लेना जो ना कठिन बा? लेकिन माया कठिन बनावता ने नहीं, नहीं। यदि तू इस मार्ग पर चला जाए तो क्षण क्षण में सांसारिक सुखों की छाया लेने के लिए ठहर कर देर मत करना, राम नाम का जाप हमेशा चलता रहे। यही ना, ये नहीं कि दिशा ये सुख भोग ले, सुख भोगने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, अगर पड़ जाएंगे तो समस्या है। यही ना, समझे? माने अनन्य का अर्थ है कि श्वास टूटे ना, प्राण छूट जाए लेकिन श्वास, एक श्वास भी ऐसा न हो जिसमें श्री राम नाम का स्मरण न हो। राममय ऐसे भी हो सकते हैं, और इससे आसान कोई तरीका हो नहीं सकता धरती पर। नाथ न उम्मीद दिमाग फंस जाए, तो सांसारिक सुख कोई अपमान करे चाहे सम्मान करे उसका कोई महत्व न दे। यही ना, अगर जो सम्मान के चक्कर में पड़ जाएगा वो अभी फेल। यह ना पंचम भाई, तो अभी जो है ना इन्हें कोनो सम्मान न चाहिए न तो इन्हें पूजा चाहिए। कोई अपमान करे उसे कोनो मतलब, अपमान सम्मान और पूजा। अपमान बदे तो कोई काम नहीं करे, सम्मान बदे और पूजा बदे सब करा था, तो सम्मान पूजा चबन करी जाए। सी जाओ हां महाराज जी, और लोग अपमान भी करे वाले पाप अपमान ना ही, तो उसे कोनो मतलब नहीं, उसे कुछ लेने देना नहीं बा।
जो अपमान का त्याग नहीं कर सकता वह भिखारी भी नहीं बन सकता, क्योंकि यह लक्ष्मण जी की बाड़ी है। भक्त बनना, भगवान का सेवक बनना, यह तो दूर की बात है। वह भिखारी बनने की परीक्षा भी नहीं पास कर सकता यदि अपमान का त्याग नहीं करता। हाँ, लक्ष्मण जी की बाड़ी है कि सेवक सुख चह मान भिखारी अव्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। यदि सेवक सुख चाहे, सुख का एक अंश भी चाहे, तो वह सेवकाई नहीं कर सकता। विचार करके देख लीजिए, अगर भिखारी कोई सम्मान चाहे तो वह भिखारी कभी नहीं बन सकता। भिखारी को सम्मान देते हैं? जाता है अधिक से अधिक मांगा तो ले, ये ना, ठीक ना। अगर भिखारी सम्मान चाहे तो वह भिखारी बन सकता है? नहीं ना। तो जो सम्मान का लालच में पड़ जाएगा वह भिखारी तक नहीं बन सकता, भगवान का सेवक क्या बनेगा? जो व्यसन में फंसा हो, शराब मांस मछली सुंदरी इन सबका व्यसन जिसे लगा हो, वह धन रह पाएगा? उलट जाइ ना कि रखा रही बचा के, जेके व्यसन बा तो व्यसनी अगर धन की इच्छा रखे तो धन वहां टारने वाला। और कोई व्यभिचारी है, पराई माता बहन बेटियों को व्यभिचार के नजर से देखता है, उसको शुभ गति यानी उसका मन मुक्त कभी हो ही नहीं सकता। ये पक्का पक्का बात बा, यही ना। और ऐसे जीव जो ऐसे हैं, सेवक कहते हैं सुख भोग की इच्छा रखते हैं, या भिखारी है फिर भी सम्मान की इच्छा रखते हैं, या व्यसनी है धन की इच्छा रखते हैं, व्यभिचारी है और मुक्ति की इच्छा रखते हैं, ठीक ना, कामी है भक्ति की इच्छा रखते हैं, ये सब प्राणी आकाश को दूह कर दूध पाना चाहते है। आकाश के दूबा दूध मिली तो समझ में आया। जैसे पानी बिना चीनी के शरबत नहीं बन सकत, जने वैसे बिना सुख भोग के इच्छा के त्याग किए कोई सेवक नहीं बन सकत। बिना अपमान के त्याग किए कोई भिखारी तक नहीं बन सकत, साधु बनत तो बहुत दूर का बात बा, जाने पंचम भाई कोई कुछ कहला तो उखड़ जा लेने कि अब कम हो गल बा। हाँ, एकदम न रहे मृदुआ भगति मोर पाव, कोई कोई अगर एक बात अगर दिमाग में बैठा बा तो ओकरे बदे जवन चीज करे के बा वो करबे तब न पइबे। हाँ, कब हमार मर्जी, हम अपने ब्याह में न जाओ, हमार मेरारू आ जाई बिना ब्याह कर ले नहीं जाएगी तो पड़ी ना। तो जब भक्ति चाहिए तो भक्ति के जो साधन बा, तो भक्ति के साधन में सबसे सुंदर और सबके लिए सुलभ बा
अपने आत्मा से मन की आवाज़ दे, मन की आवाज़ दे करके कि मन से कहो कि जीवा क्या आदेश करे, और जीवा जो है पपीहे की तरह राम नाम का जप में लग जाए। यह न यही से मात्र भक्ति मिल जाता भाई, इतना सरल तो भाई में को पैसा लगा था। अगर कोई इतनो न कर सके गणेश जी तो ओके का ओकर बदे विधाता बामे बाय, अगर इतना छोटा सा काम न कर सके नहीं। तो जो भी जीव इस सबसे सरल भक्ति के मार्ग पर चलना चाहे तो आज क्षण क्षण में सांसारिक सुखों की छाया लेने के लिए ठहर कर देर न करे। नहीं कि 5 मिनट में तैसा गुलाब जामुन खा के मस्त हो ले ओकरे बाद तो राम नाम कहबे कर। अभी हाँ लेकिन आसक्ति का जगह नहीं बा, ये ने ये बात पर जोर दे करके बुलाता कहे कि ऐसे सरल मार्ग नहीं बा भाई। ठीक ने तो हे तुलसीदास तेरा भला तो अपनी ओर से श्री राम नाम में ही निरुपधि अर्थात निष्कपट प्रेम के निभाने से ही होगा। तुलसीदास जी बैकुंठवासी हैं, वो इस समय बैकुंठ में है। रवि गुरु और प्रकाश तो बैकुंठ छोड़ के धाम में चले गए, नित्य धाम, जहां जाने के बाद कभी कोई जीव वापस, क्योंकि उसका कर्म गुण स्वभाव सब समाप्त हो जाता है। नहीं जो आप लोग अनुभव कर रहे हैं, तो इससे सरल मार्ग परम धाम पहुंचने का कुछ दूसरा नहीं, एकदम सरल बना भाई। और जो यह काम कर लिया उसने सारा यज्ञ कर लिया, सारा तपस्या कर लिया, सारा ज्ञान ले लिया, सभी वेदों को जान लिया, अतिथि सेवा कर लिया, सारे तीर्थ कर लिए, मात्र यही छोटा सा काम करने से। बताइए बिना धन का इतना बड़ा कार्य हो रहा है और लोग पता नहीं किस अंधेरे में पड़े हैं। तो पागल बहन ने हाँ तो अरे पागल राम नाम का जाप कर, राम जाप इस भयानक संसार रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए श्री राम नाम ही अपनी नाव है। ले अब नैया मिलकर नहा के बैठ जा, किनारे पर मत बैठा नहीं तो भरा जीव है बिच्छे में। नहीं बंजम भाई अब कोई ये नैया पर बैठी नो है। खाली 100 रुपया का पुरस्कार देवे से क्या हुई? नहीं गलत चीज को कभी सम्मान नहीं देना चाहिए, अर्थात इस राम नाम रूपी नाव में बैठकर मनुष्य जब चाहे तभी पार उतर सकता है।
इसमें बैठ जाए तो फिर खुलचारी ना करे, ठीक ना? जब चाहे तब। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि अभी मांस मदिरा में सेवन करे बाद में बैठ जाएंगे, तब तक आप बहुत दूर निकल जाएंगे। और लोग निकल ही गए हैं ना, एक कोई जने बैठा हुआ दिखाल बाए काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुबीर ही भजहु जेहि संत। काम क्रोध घमंड और लोभ ये सब नरक के मार्ग हैं, जो सबका परित्याग करके श्री राम नाम को भजता है हर एक श्वासों में वही संत है। यह उपदेश श्री विभीषण जी रावण को दिए थे तो उनको रावण लात मार के भगा दिया था। और ये समय कुल रावण के खानदान तो अगर जिनको यह भाव अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो रम जाइए, और अच्छा नहीं लग रहा है तो अपने आप को रावण कुल का अंश जानिए, फिर आप राममय नहीं है। यह ना पंचम भाई, जे भगवान राम जी का नाम लेत के अघाई है ना, ऊ श्री राम नाम के महिमा के विशेष तत्व जानेस नहीं। नहीं अब इतना आराम से बा, इतना सहज चीज बा, मुक्ति का अगर इहो मार्ग कोई नहीं समझे तो का रहस्य जाने। क्योंकि यह मनुष्य के अधिकार में है, अधिकार की बात करते हैं, जो आराम से कर सकते हैं वह तो कर नहीं रहे, और नौटंकी नहीं, झंडा गाड़ना हो तो राम नाम का, यही ना। इसी एक साधन से बल से, इसी एक साधन के बल से सब रिद्धि सिद्धियों को साध ले, क्योंकि योग संयम और समाधि आदि साधनों को कलिकाल रूपी रोग ने ग्रस लिया है। समझे, कहाँ संयम रहगा बा, तनी तनी बात में तो लोग उखड़ जाता है, ठीक ना? भला हो बुरा हो उल्टा हो सीधा हो, अंत में सबको एक राम नाम से ही काम पड़ेगा। तो जेके समझ में आ जाए भाई तुरंत, तो तुरंत श्री राम नाम के शरण में चला जाए के चाहिए। कहे कि र उ अग्नि के उत्पत्ति के कारण बा, आ का मात्रा से सूर्य उत्पन्न बाए, और म से चंद्रमा, माने श्री राम ही जी ही या श्री राम नाम ही अग्नि सूर्य और चंद्रमा के उत्पत्ति के कारण
है। तो जब जीव राम नाम के शरण में चला जाएगा तब उसका तीनों ताप दैहिक दैविक और भौतिक ये तीनों जल के भस्म हो जाएंगे और वह परम शांति का अनुभव करने लगेगा। यह वर्तमान शरीर का निजी अनुभव है न कि कोई कोरी कल्पना। और जो अवस्था है इस अवस्था का अनुभव गणेश जी सहित राम खिलावन भाई सहित राम जी भाई सहित पंचम भाई सभी लोग अनुभव कर रहे हैं। नहीं भाई कौनो ऐसा उसको बात बताओ जौन की लग गया हो ऐसा तो नहीं बा सबकर कल्याण होता। तो जे शांति पाए रही वह ने शांति दे भा जेकरे की यहाँ शांति रहबे न करी है कहिए हमरे मेहरारू का नाम शांति आवे तो के शांति दे मेहरारू का नाम शांति रहे से का शांति दे से शांति भाई कचकच कचकच करो ताई। पंचम भाई तू कोनो शांति के जानल है तुम्हारे परिचय में कोई शांति नाम का बा गणेश जी कट 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 कर नहीं ठीक ने राम नाम में शर्म कैसा नहीं राम नाम के साथ एकदम खुल जाना चाहिए क्योंकि यही नौका है यही परम धाम ले जाने वाला। अब तो एकदम सरल होगा पंचम भाई नहीं संसार में कुछ नहीं कोई मतलब नहीं है यहाँ तक कि एक सिग्नेचर करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यह शरीर कभी सिग्नेचर नहीं करेगा नहीं अब ऐसे कोई कोनो समस्या तो नहीं बा भाई बल्कि भ्रम दूर होता कि खेत न बेची है ये चीज कैंसिल न करी है नहीं ना संकल्प लेबा तो उसे भ्रम और अब करो संकल्पो नहीं बचा बा अब तो संकल्प और विकल्प के बाहर अब गणेश जी नहीं बा कि तू ही करत ए नहीं करी है अब एन कुछ नहीं बान भाई यह रवि गुरु का शरीर बा भुवनेश्वरी का आत्मा यही में बैठ के सबकर सेवा करता और यही कृपा से जिंदा भी बैठ ये ने समझो बात बहुत आगे जब धाम में जब पहुंच कर यहाँ से वापसी हो पा नहीं करत ठीक ने तो फिर जहाँ बा आत्मा वहाँ साधनों मिल जाता ऊपर बैठ के लोग अपन पार हो जाए ठीक ने पंचम भाई समझ में आयल कि नहीं कहे कि ऐसे सरल मार्ग और कुछ नहीं बा भाई जने इस जगत भ्रम से आकाश में फले फूले दिखने वाले बगीचे के समान सर्वथा मिथ्या है। यह जगत भ्रम के कारण जैसे कि देखो आंख बंद बा आकाश में बड़ा बढ़िया जो है कि आमे का बगीचा बा कहा बा नहीं तो आकाश में बगीचे के समान जो फले फूले हुए बगीचा अगर कोई देखे वैसे ही यह संसार मिथ्या है। तो यहाँ पर यह है कि यह भगवान की लीला है सेवा दीजिए तो पवित्र नहीं तो मत दीजिए। देखो दुआ में रखो बुद्धि के तीसर के जगह दौड़ावे की जरूरत धुएं के महलों की भांति क्षण क्षण में दिखने और मिटने वाले इन सांसारिक पदार्थों को देखकर तू भूल मत
यहाँ जौन देखता देखो सब मरत नहीं बन, धुआं से देखले माहौल बन गया तब से खत्म नहीं। जो जीव श्री राम नाम को छोड़कर दूसरे का भरोसा करता है, तुलसीदास जी कहते हैं कि उसके समान मूर्ख कोई नहीं है। नहीं, जब बिना धन का अमृत मिल जाता और धन लगा के तू जोहर लेता है तो तुझसे बड़ा बेवकूफ के बा नहीं। गणेश जी, जो सामने परोसे हुए भोजन को छोड़कर एक एक कौर के लिए कुत्ते की तरह घर घर मांगता फिरता है, श्री राम ही नाम बाबा प्रसाद एक एक छोड़ के जौन कुल पियर पियर पहन के कुकुरन की तरह दौड़ दौड़ के मांगता है दुआरे दुआरे, हुकुल कुकुर है क्या है कुत्ता, दियो जी डाग, डाग माने और आज सही बात बतावे के बजाय माई बाऊ लड़कन के यह सिखावता है। कहीं बच्ची अंग्रेजी पढ़ ले तुझे कौन माने आवाला, तो कही दियो जी डाग, डाग माने कुत्ता, यह विद्या चला बात है। हाँ नहीं कुत्ता से पढ़ाइए शुरू बा भाई, ये ना अहंकारी लोग कहिए तू तो पीएचडी करे भाई, अब नहीं ज्ञान रहा तो पीएचडी भैल, अगर बचपन में हो गलो तो ना हो नहीं, और भैल तो उसे कोई का नहीं नहीं भैल ना समझो ना। तो देखें अब समझ में आ गया कि आप ये शरीर नहीं है, आप एक जीव है जो कि काल कर्म गुण और स्वभाव से घिरे है, ठीक ने। जौने चीजी के पंचम भाई तुम्हार शरीर बनाबा, वही चीजी के यो शरीरिया बनाबा कि अलग से बनाबा, लेकिन स्वभाव अलग बा। तो स्वभाव अगर शरीरी के शरीर एक चीज के बना बा तो एक स्वभाव हुआ चाहत रहा, यही से स्वभाव अलग बा तो जरूर शरीर के अलावा कुछ दूसर व्यवस्था बा। तो फिरत सदा माया के प्रेरा, काल कर्म सुभाव गुण घेरा, ये माया के प्रेरणा से संसार में चक्कर काट रहा है जीव, जो मिल जाएगा फिर वह माया के चक्कर में कभी, और नारी तो साक्षात माया है, नारी क्या है साक्षात, जो कि ज्ञान के भंडार मुनियों के मन को भी दिवस कर देती है। भाई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नारी का अपमान हो रहा है, साफ साफ बात है कि सुनु मुनि ज्ञान निधान अमृगु नयनी विधु मुख निरखी, अबिवस होई हरि जाने नारी विष्णु माया प्रगट जने। भगवान शंकर जी की बाड़ी है, कहते हैं
कि ज्ञान के भंडार मुनियों मुनि भी मृग नैनी का नेत्र देख करके आँख जाने पंचम भाई अगर बच्चे चाहे तो मेहरारू के आँख कभी मत देखे, कहे कि उनका रखिए खतरनाक हो लाभ है। यही से रवि गुरु के पिताजी सिखाए रहे कि बच्ची 9 फीट के दूरी पर जहाँ बहन बिटिया हुए तो 9 फीट के दूरी पर नजर गड़ा के निकल जाए वो हर देखे, समझे गणेश जी। कहे कि शिव बलि जी रहे याने? और शिव जी के समान भोला भाला। कभी जो है कि देखो 15 अगस्त 1991 का उनका शरीर छूटा बा, तब तू पैदा नहीं भल है याने? तो जे पितृ भक्त रही तो वो पिताजी के आज्ञा के लेके चली तो देखो ये परिणाम बा। अब जे पिताजी के न मानू तो बह जाई नहीं नहीं 3 महीना बाद पैदा भयन गणेश जी। जब रवि गुरु के शरीर पिताजी के शरीर छूटा 15 अगस्त के याने तो 2 महीना 25 दिन बाद पैदा भयन 10 अक्टूबर के 20 अक्टूबर के नहीं 3 महीना 5 दिन बाद कितना हाँ। जब तो के इतना आवाता था यार तो इतना तो समझ में आ जाए कि राम नाम ही नौका ठीक ना। तब शरीर से जीव के रूप में आओ, आप एक जीव हैं ठीक ना। तो हे जीव सदा अनन्य प्रेम से श्री राम नाम जपा कर इस कलिकाल में श्री राम नाम के सिवा वैराग्य योग यज्ञ तप व्रत दान आदि से कुछ नहीं हो सकता। काहे की होबा न करी वह सब करो है। शास्त्रों में विधि निषेध रूपी कर्म बतलाए गए हैं जने? शास्त्रों में कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, लेकिन तुलसीदास जी सीधे समझ लीजिए भगवान शंकर जी कहते हैं कि मेरी सम्मति में श्री राम नाम का दृढ़ अनुराग के साथ स्मरण करना सारी विधियों में राज विधि है ठीक ना। लेकिन दृढ़ अनुराग हो, अब क्यों ना हो, क्योंकि श्री शिव जी करोड़ों करोड़ों श्री रामचरितमानस में से श्री राम नाम रूपी तत्व लेके अविनाशी बन गए ठीक ना। प्रमाण बा कि संतत जपत असंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि नहीं तो शंकरों जी से कोई बुद्धिमान बा? वे ज्ञान और गुण के राशि हो गए और अविनाशी हो गए माने उनका नाश कभी होने वाला, तो जो राम नाम के छाया में शरण में चला जाएगा
उसका भी कभी नाश होने वाला, वह जीते जीते परमात्मा में विलीन हो करके चरित्र कर सकता है, लेकिन जो इनकी छाया में नहीं है वह सांसारिक विषयों के धूप से झुलस के मर जाएगा। और श्री राम नाम भूल जाना, जाने यह सबसे बड़ा निषिद्ध कर्म है, माने ऐसे बड़ा निकृष्ट कर्म कुछ, माने श्री राम नाम कभी भूले के एको श्वास में न भूले। श्री राम नाम महामणि है और यह जगत का जाल, यह सांप है, यानी श्री राम नाम क्या है, मणि, और यह संसार का जाल क्या है, सांप। जैसे मणि ले लेने से सांप व्याकुल होकर मर जाता है, नहीं, इसी प्रकार श्री राम नाम रूपी मणि ले लेने से दुख रूप संसार जाल अपने आप ही नष्ट प्राय हो जाएगा। तो लब मोड़ी तो देता है, तो संसार जाल देकर नष्ट नहीं हो जाता, यानी चौपाई बा कि राम भगति चिन ता मणि सुंदर बस ही गरुण जाके उरे अंतरे। श्री राम जी की भक्ति ही सभी चिंताओं का नाश करने वाली चिंता मणि, यानी तो नाम चिंता मणि रखा सका होई। और श्री राम नाम के शरण में अगर जो जीव नहीं गया उसे श्री राम जी की भक्ति कहाँ से प्राप्त होगी, हो जाई, कोई के नामो न ले बहु तोरे रंग देख ले, संसार में देखो कोई के नाम लेके बुलाओ ले तब बन देखा ला, कहो पंचम भाई देखा तू हाँ गुरु कहला इन तो नहीं कहे, तो जब नाम ले बा तब बन है, हाँ तो यहाँ नाम के भी शरण में कोई नहीं बा और कही कि हम तो राम मय हो गए हैं। जो राम मय हो जाएगा वह प्रपंच की बात कभी नहीं करेगा, यही ना। यहाँ कुल राक्षस लोग नया नया संप्रदाय चला रहे हैं, तो जाने दीजिए छोड़िए, ठीक ना, ठीक ना। तो मौड़ी ले जा यह ना माया संसार दई और संत जो है मौड़ी देते हैं जिससे संसार का जाल कट जाता। अरे भाई यह राम नाम ही कल्प वृक्ष है, यह अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फल देता है। देखो मुक्ति लेहबान की नहीं, तब बन मुक्ति सबके देता है। इस बात को वेद पुराण पंडित यानी विद्वान और श्री शिवजी महाराज कहते हैं, ये बात हवा में नहीं हो रही है। कौन कौन कहते हैं, वेद पुराण पंडित विद्वान और श्री शिवजी महाराज,
तो अगर इनकी बात नहीं मान रहे हैं तो शंकर जी के मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है, ये ना गणेश जी। श्री राम नाम में प्रेम देख करके ही श्री शिव जी माता पार्वती जी को श्री रामचरितमानस का अमर कथा सुनाए, ठीक ना। तो राम जी से क्या प्रेम करेंगे, पहले नाम में मग्न होकर के तो दिखाए, ये ना। श्री राम नाम प्रेम और परमार्थ अर्थात भक्ति और मुक्ति दोनों का सार है, तत्व, ठीक ना। जिसका श्री राम नाम में परम पवित्र प्रेम दृढ़ अनुराग हो जाए तो वह भक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त कर लिया, यही ना। और यह राम नाम तो इस तुलसीदास के जीवन का आधार ही है, ठीक ना। तो बस राम नाम के जाप के अलावा और कुछ सोचना नहीं रहा। लेकिन संतर एको श्वास अलग न हो, ये ना भाई। ठीक, समझ में आ गया। कहे कि आपके अंदर भक्ति के बीज बा, बस ओके अंकुरित करे के बा, क्या ना। तो हे जीव, जब तक तू जीभ से प्रत्येक श्वासों में श्री राम नाम नहीं जपेगा, तब तक तू कहीं भी जा, तीनों तापों से जलता ही रहेगा। नहीं, गंगा जी के तीर पर जाने पर भी तू पानी बिना तरस कर दुखी होगा, कल्प वृक्ष के नीचे भी तुझे दरिद्रता ही सताती रहेगी। नहीं, जागते सोते और सपने में भी तुझे कहीं सुख नहीं मिलेगा, ठीक ना। अगर कोई कहता कि हमें चैन नहीं बा, देखा मतलब वो श्री राम नाम के शरण में नहीं बातों के बता दे, तो कहा कोई कि चैन बा है। ठीक ना, इस संसार में जन्म जन्म और युग युग में तुझे रोना पड़ेगा। खाली एक जीव ऐसा रहा जे की जन्म के समय नहीं रोए, तुलसीदास जी, पैदा होते राम नाम ने, बाकी कुल रोवल ने पैदा हुआ के बाद कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, क्या क्या कर ले। नहीं, राम नाम लेहन या ने? तो जेकर इतना प्रेम लगा रहे वो मरे के बाद भी भूली नहीं, नहीं। भाई अभी लोग तो त्यागी नहीं है, जाने। जितने ही छूटने के दूसरे उपाय करेगा, यानी श्री राम नाम से विमुख होकर, उतना ही
कस कर बढ़ता जाए। नहीं करा यज्ञ फाना देखा बदल है कि नहीं, भंडारा करावो देखा फसल है कि नहीं। श्री राम नाम की शरण छोड़कर कहीं कल्याण होने वाला नहीं है। अमृतमय भोजन भी तेरे लिए विष के समान हो जाएगा। हे तुलसी, तुझसे दीन को तीनों लोकों और तीनों कालों में एक श्री राम नाम का वैसा ही भरोसा है जैसा मछली को जल का। तो मन को बनाना पड़ेगा मछली याने, और श्री राम नाम को बनाना पड़ेगा जल, तब प्राप्त हो जाएगी प्रभु की भक्ति और मन को हो जाएगा मुक्ति। जे मछली खाए वाला बाबू ऐसा काम कर पाई को भाई, लेकिन मछली बेचे वाला कर सकला, नहीं खाए वाला तो नहीं कर सकल। है ठीक ना? जन कर दिया प्रभु, दोबारा प्रगट हुई ना, ठीक ना? कह के तत्पर बा कि तुम्हारे पास अवसर बा, कहे से कि पलट के होई नहीं अभिमान बा, अवसर बा, कहे कि ये काम कर सकेला। लेकिन मांस खाए वाला कोई कहे कि राम नाम के शरण में हो जाए, कभी नहीं। मांस खाए वाला ना हो पाई, शराब पिए वाले नहीं हो सकते, मांस बेचे वाले हो गए। हाँ प्रमाण बान है, ठीक ना? ठीक ना? तो देखा भवा, जीत तबे होई जब पाला छूबे, ठीक ना? अब कोई पकड़े रह, पकड़ के लिया, पकड़े रहबे तो जेके पकड़ के लिया के अगर पाला छू देबे तो ऊ न मरी, ऊ तो मरबे करी। यही से पकड़ ही नहीं बा, सेवा के अलावा कौनो जो है, और अगर वो सेवा के लायक नहीं बा, निकृष्ट जीव बा, तो कर सेवा करबो तो वो विघ्न पैदा करी, जाने राक्षसों का सेवा करना भी विघ्न पैदा कर देता है भाई। ने देखा दिमाग टंटना जला ने, तो हे जीव, तू प्रेम पूर्वक राज राजेश्वर श्री राम के नाम का स्मरण कर उनका नाम पाथेयहीन पथिकों के लिए मार्ग व्यय यानी कलेवा है। जिसके पास जाना है लेकिन धन नहीं बा, रास्ते का खर्च नहीं बा, तो ओकरे बदे राम नाम जने। तो राम नाम जेकरे पास नहीं बा, वो प्रभु के यहाँ जाई नहीं सकत, जने। कुछ शास्त्र में लिखा बा कि 13.5 करोड़ श्री राम नाम का जप करे से हृदय में प्रभु प्रकट हो जाना, 13.5 करोड़, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के साथ। श्रद्धा विश्वास रही तो वो तो कम में भी प्रकट हो सकल, लेकिन 13.5 करोड़ श्रद्धा विश्वास के साथ जाप करबा तो उन्हें प्रकट होना ही होना बा। कोई करके अपन पावा चाहे पाले,
और ये शरीर पर तो प्रभु का बहुत विशेष कृपा बाबा है जने, लेकिन जब प्रभु कृपा कर दें तो अपने वही में पड़ गए, फिर वो संसार की तरफ भूल के भी जने ते न पर ही भव कूपा। यह चरित जगा वही हरि पद पावही ते न पर ही भव कूपा। जने भय प्रगट कृपाला अपन देख चरित गावत है संसार के कुआ में नहीं जाता है। हम गणेश जी जाइए नहीं, हम इतना तो बुद्धि बटले बाबा है, एक पत्थर गाड़ दे बैराग के और वही पर पैर लगा के खींचो जे आवे चाहे, जाने ओकरे साथ मिले के राग रही तो मिला मिलब होगा जाने। जिसका कोई सहाय नहीं है, कहे कि ये लोभी संसार सब जो है जिसका लोभ नहीं पूरा होता है वह छोड़ के चले जाते हैं, तो उसका उसके लिए श्री राम नाम ही सहायक है और यह पक्का साथी है, ये कभी साथ छोड़ने वाला नहीं है। यानी पंचम भाई अगर तू राम बन जाइबे तो ये संसार तोके वनवास दे दे, अगर राम बन जाइबे तो ये संसार का दे दे वनवास, जाने। और यदि लोभी बन जाइबे और लोभ पूरा न होई तो तू खुद छोड़ के चला जाइबे। पवित्र जीव के जो है एकमात्र सहारा बात श्री राम नाम, ये सब अनुभव का बात बा। लोभी लोग लोभी लोगन का लोभ नहीं पूरा होता है जाने, तो वो छोड़ के चला जा ले, जे छोड़ के चला जाए वो समझ जाए कि वो बड़ा लोभी बा, ये ने यही से यहाँ खाली प्रपंचीय लोग रहन है जाने। ठीक बा, कोनो बात नहीं, ये ने समझत है। हाँ यही से संसार से का मतलब, संसार माने प्रपंच ब्रह्मा जी के। तो यह राम नाम भाग्यहीन का भाग्य और गुणहीन का गुण है। श्री राम नाम जपने वाले भाग्यहीन और गुणहीन भी परम भाग्यवान और सर्वगुण संपन्न हो जाते हैं। यह स्वयं श्री राम जी की बाणी है। जाना पंचम भाई। जो भी जीव इस शरीर को सपने में भी थोड़ा सा प्रेम किया हो वह इस बाणी को हमेशा सुनता रहे। जब तक श्री राम नाम में दृढ़ अनुराग न हो जाए, यही ना, क्योंकि अभी शरीर का साथ किसी को मिलेगा नहीं। अब वो सब ठीक ना, कहे कि उतना संकल्प होने के बाद में तो कर्म हुआ तब जाके अवस्था मिली, ठीक ना, तो फिर उसी को छोड़ देंगे तो सब गिर जाए, भरा नहीं जाइए। जो एक बार विश्वास बनाबा तो विश्वास अगर तोड़ देबा तो सब बेचारे भगत कहाँ जाइए। तो यह गरीबों का सम्मान
करने वाला, ग्राहक और दीनों के लिए दयालु दानी है। ठीक ना, यह राम नाम कुलहीनों का उच्च कुल यानी राम नाम जपने वाले चांडाल भी सबसे ऊंचे समझे जाते हैं। जिसका श्री राम नाम में प्रेम हो तो नीच कुल का भी हो, जैसे निषाद राज जी, नहीं वे भी ऊंचे समझे जाते हैं। आज भी उनका नाम कितना प्रेम से लिया जाता है, नहीं केवट, ठीक ना। और लंगड़े लूलों के हाथ पैर तथा अंधों की आंखें हैं। देखिए राम नाम की महिमा, यही ना। श्री राम जी का नाम जपने वाले संसार मार्ग को सहज में ही लांग जाते। समझा गणेश जी, आराम से, उनमें कहीं समस्या नहीं बा। अगर ये बाणी सुन करके जो जीव न धारण कर ले, श्री राम नाम के स्वरण में न जाए, तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, यही ना। इस सिद्धांत का वेद साक्षी है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही हवा में कही जा रही है। यह राम नाम भूखों का माँ बाप और निराधार का आधार है। ठीक ना, तो हम कई लोग कहिए राम नाम जपबे तो भूख मिट जाई, ये अनुभव है कि जब नाम में लीन हो गए तो भूख प्यास कुछ। संसार सागर से पार जाने के लिए यह पुल है। जाने संसार सागर से पार जाने के लिए यह पुल है और सब सुखों का सार भगवत प्राप्ति का प्रधान कारण है। माने इसी के कारण भगवत प्राप्ति होती है। राम नाम के समान पतित पावन दूसरा कौन है जिसके स्मरण करने से तुलसी के समान ऊसर भी सुंदर भक्ति प्रेम रूपी प्रचुर धान की उपजाऊ भूमि बन गया। जिसको पैदा होते ही माँ बाप ने त्याग दिया, नहीं देखिए भक्ति के लिए कितना उपजाऊ भूमि। हाँ ठीक ना, तो हे मन यदि मेरे कहे पर चलकर स्वभाव से ही श्री राम नाम से प्रेम करेगा तो तेरा सब प्रकार से भला होगा। श्री राम नाम का प्रभाव कपा देने वाले सर्दी का नाश करने के लिए अग्नि के समान है। यही आधार मिला जो कि देखिए ठंड भर पूरा ऐसे ही पड़ा रहा, शरीर कहाँ समाप्त हुआ, नहीं यही ना। खबर राम नाम के शरण में महाराज ठंडी नहीं लगा, अरे बर्फ पर जो है कि 27 दिन तक पड़ा रहा शरीर। जब पक्का रहबा तो समस्या नहीं बा, अगर सोचबा तो ऐसा ममता भिड़ा ले ही।
तो मर जेबे नहीं। तो मनुष्य की बुद्धि को विचलित कर देने वाला कलिकाल अपने काम क्रोध लोभ घमंड जलन ममता कपट दंभ पाखंड रूपी सहयोगियों के समेत श्री राम नाम के डर से तुरंत भाग जाता है। ये अनुभव बाजा ने जेकरे पास श्री राम नाम का बल बा उहे ना स्मशान घाट पे बैठी बा, नहीं 9 महीना से क्या स्मशान घाट पे बैठा रही है। श्री राम नाम के प्रभाव से वैराग्य योग जप तप आदि अपने आप ही जागृत हो उठेंगे। देखो कुल होता है बने नहीं, फिर बाम विधाता भी तेरे मस्तक पर बुरे कर्म का फल अंकित नहीं कर सकेगा। राम जी भाई जब राम नाम के शरण में हो जाएंगे तो ब्रह्मा के पास ताकत नहीं है जो कि आपके बुरे कर्म का फल आपके मस्तिष्क पर लिख दे। इसलिए राम नाम के शरण में हो जाना यह जो है अति दुर्लभ जो चिंता मणि है वह यहां से आप लोग लेकर के जाइए नाथ। यही ना कहे कि वही के प्रभाव से ही शरीर बचा बा, नहीं तो कब का खत्म हो गल होते है। -20 डिग्री में के देखाता है ना। अर्थात तेरे सारे कर्म छीण हो जाएंगे यदि तू राम नाम रूपी लड्डू को प्रेम रूपी अमृत में पगा कर खाएगा तो तुझे हमेशा के लिए परम संतोष प्राप्त हो जाएगा। ले खा लड्डू गणेश जी है ने, तो श्री राम नाम रूपी लड्डू को प्रेम रूपी अमृत में पाग कर यानी पका कर दृढ़ अनुराग रूपी अमृत में श्री राम नाम रूपी लड्डू को पका कर जो भी जीव खा लेगा उसे अवश्य संतोष प्राप्त हो जाए। तो कोई कहे कि हम तो खाए रहे हमारा ही संतोष मिला, कह तो तू पकाए नहीं रहे। नहीं मतलब दृढ़ अनुराग नहीं रहा, ठीक ने है। कितना सरल मार्ग बाप हुआ और यज्ञ फनबे भंडारा फनबे तो बोझ आई कि न आई। फिर सुख के लिए घर घर भटकना नहीं पड़े। अब समझ ला कि गुरु घरे घरे कह रहे घूमते जे लड्डू खा ले तो के घरे घरे भटके के जरूरत नहीं बा। ये ने जे भटका था एक मतलब कि सही चीज पाए। राम जी बात यह श्री राम नाम ही कल्प वृक्ष है, इससे हे तुलसीदास तू उससे स्वार्थ परमार्थ जो कुछ मांगेगा सो सभी मिल जाएगा, किसी बात की कमी नहीं रहे। बस यह माया नहीं देता श्री राम नाम, माया नहीं देता। तो कहेंगे महाराज
लालच बा माया के और कहता है स्वार्थ दे ला, तो यह सच्चा स्वार्थ देता है। और सच्चा स्वार्थ क्या है कि स्वार्थ साची अजीव करे हा अमन क्रम बचन राम पद नेहा। जीव का यही सच्चा स्वार्थ है कि मन बाणी और कर्म से श्री राम जी के चरणों में परम पवित्र प्रेम यानी दृढ़ अनुराग उत्पन्न हो तो भोगल सच्चा स्वार्थ मिल दे गई। और परमार्थ क्या है तो निषाद राज गुह जी से लक्ष्मण जी कहते हैं कि सखा हे मित्र सखा परम परमारथ एहू अमन क्रम बचन राम पद नेहू। तो वे ही सच्चे स्वार्थ है वे ही सच्चे परमार्थ। और साधु का शरीर मात्र परमार्थ के लिए होता है, बिटवा पैदा करावे बदे नहीं, ब्याह करावे बदे नहीं, राजा बनावे बदे नहीं, भूत उतारे बदे ये ने। तो जे सच्चा साधु रही परमार्थ दे दे तो फिर उनका मुक्ति हो जाए, तो एक जन्म में तो मुक्ति होला। अगर जे कहता नहीं होता उसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। ये न राम जी भाई चले ठीक ने। तो देखिए अब सब कुछ तो मिल गया एक रहा स्वार्थ और एक रहा परमार्थ ठीक ने। तो अब किसी बात की कमी जब है नहीं तब आगे और बढ़ने की क्या हो सकता है हाँ? तो इसी वाणी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भगवान शंकर जी के सभी भक्तों की जय। हर हर महादेव। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम।